अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मुझे हस्बैंड ने कॉल करके नीचे बुलाया कि नीचे आओ, और जब मैंने नीचे जाके देखा तो मुझे लग रहा था कि जैसे कोई ये लेकर आए हैं कुर्बानी का जानवर। तो जाके देखा तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो गायें थी, और अल्लाह ताला सब की जो है वो कुर्बानी कबूल करे। और यहाँ पे बकरे के लिए जो भी खाना वगैरह था इसका वो पड़ा हुआ था। ये तो बड़ा माशाल्लाह प्यारा है, ये तो बड़ा जबरदस्त है। बैठ जाओ। ये आधी रात को भी खाना खा रहा है, वो कैसे खा रहा है? ये बंदा हुआ कि खुला है? हाँ, ये मेरे पास आ रहा है। हेलो, तो वो इधर क्यों आ गया? वैसे ही देख के आ गया। माशाल्लाह ये बकरा भी बहुत, ये कुछ कहती तो नहीं है, और ये जो गायें आप देख रहे हैं ये भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो माशाल्लाह ये तो बहुत ही प्यारी है। जरूर बताइएगा कि आपको ये दोनों जो हैं वो कैसे लगे। ये तो बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। इसे भूख नहीं लगी? नहीं खाया, अब बैठ के खाता हूँ। इससे कुछ हो रहा है, इसने कहा इसने इधर आना है या इसने वापस जाना है अंदर। चाहे इसको नींद आ रही हो है, नहीं तो अंदर आ जाएगी। अगर इतनी बड़ी गायें हैं अंदर तो नहीं आएगी ये, अंदर अभी सामान पड़ा हुआ है। नहीं तो अगर अंदर गायें आ गई तो फिर हम लोग कैसे बाहर जाएंगे? वो कुछ भी नहीं कहती, प्यार का रुचा गया, कुछ भी नहीं कहती। हां इसको पकड़ा देनी मैंने। हां उसको पकड़ा देनी, वाह। हां देखो कुछ कह ही नहीं करना। हां शिरको पकड़ाए तो वो कुछ वो तब उतर जाए। मुंह पे प्यार करो, कुछ भी नहीं। मैं नहीं मुंह पे प्यार कर रही है, तो वैसे बड़ी प्यारी है, क्यूट शरीफ जानवर है ये तो। मैं नहीं मुंह पे नहीं खा रही मैं। अगर उठ गया तो सेन, अगर उठ गया सेन भाई, वो देखो ये मेरी तरफ देख रहा है। हाँ वैसे है तो शरीफ, कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं, वो तो डरेगा। ओयो ये तो वाकई बड़ा मासूम है। उसको देखा नींद आई हुई थी, वो बैठ गया आराम से। ये शल हाशिर देख के बड़ा खुश होंगे, कहा वो आगे का। यहाँ पर उन्होंने मुझे वापस भेजा, जाओ मेरे लिए जो है वो दूध और रेडी करके लेकर आओ। और गर्मी ज़्यादा बहुत ज़्यादा थी, हवा भी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। अच्छा इस वक्त जो है ना रात के तकरीबन वो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, 4:10 है। तो अभी मैं जो है ना वो दूध बनाने लगी हूँ, ताकि इतनी दूर से आया हुआ बंदा थक वगैरह जाता है, ऊपर से गाय इतनी दूर से आई है। हाँ जी, तो ये मैं बनाने लगी दूध थोड़ा, उसके बाद मैं इनको देने जाऊंगी, उसके बाद मुझे लगता है सोना चाहिए, ताकि सुबह यशर और हाशिर को भी जो है ना वो गायें वगैरह दिखानी है, और तो वो तो देखेगा खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। लो जी ये बन गया दूध थोड़ा। अच्छा जी, इसके बाद चाहिए मोबाइल फ़ोन, वो देखिए अभी आराम से सो रहे हैं सारे बच्चे। अभी जब ये सुबह उठेंगे और गाय को देखेंगे तो इनकी खुशी की इंतहा जो है ना बस आपको देखने वाली होगी। और ये क्या, इसकी डॉल भी साथ सो रही है, वेरी गुड।
चले हम जो चीज़ लेने आए हैं वो लेते हैं और वापस चलते हैं। टीवी अभी तक चल रहा था क्योंकि मैं देख रही हूँ टीवी, और अब मुझे शायद टीवी बंद कर देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। नमाज़ का भी टाइम हो चुका था तो नमाज़ पढ़ के जो थोड़ी मैं लेट गई थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे से पहले बच्चों ने जो है ना वो नीचे सुबह चले जाना। चलें तो अब आपसे इंशाल्लाह जो है वो सुबह मुलाकात होगी, तो इजाज़त चाहिए, सुबह मिल। यहाँ पे सब ये दोनों जो हैं वो उठ के नीचे जा चुके हैं। ऑलरेडी सुबह के तकरीबन 9:30 बजे थे जब मेरे से उठने से पहले ये दोनों जो हैं वो नीचे पहुँचे हुए थे, और मुझे कोई पता नहीं था। पैम्पर लगाए हुए हैं, जिस हालत में थे ये वैसे ही हालत में जो है वो नीचे पहुँचे हुए थे गाय के पास, और गाय वो उसको इंजॉय कर रहे थे। ऐसी है ना, कितने खूबसूरत है ना। ओला वो देखो वो कहाँ पहुँचा हुआ है, वो उधर पहुँचा है। नहीं वो बड़ा मासूम, वो बड़ा मासूम है, बड़ा मासूम है। आशी इधर आओ, आशी इधर आओ। आशीर आशीर कहाँ आ गई, किसकी कहाँ है? हाँ इधर तो आओ, ओ इधर तो इधर आओ। आशीर यहाँ पे ये सारे मिलके ना गाय के लिए तड़पाल लगा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी ईद में 2-3 दिन पड़े हुए हैं तो धूप ना पड़े, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने तड़पाल लगा दी है। गुलाम मुश्तबा है, आशीर ये तो शाल जैसी है, ये देखो शाल के भी बाल ऐसे ही होते हैं। हाँ वाकई ये तो बिल्कुल ही शाल जैसी है। क्या है? हाय हाय। तुम उसके सामने खड़े हो बिल्कुल। आशीर शेयर करने लेके जा रहे हो? लो हेलो ये चल तुम भी आओ साथ। हाशिर साहब लेके आ रहे लो जी। यहाँ पे मैं शाल को देखने आई थी कि मैं नीचे थी तो ये उठ नहीं गई, तो जब मैं ऊपर आई हूँ तो देखा है कि मैडम जो है ना उल्टे हो गए, आराम से मजे से सो रही हैं। कैसी लगी है? अच्छी। अच्छी लगी है? किसकी गाँव है? मेरी। तो हाशिर तो कह रहा है मेरी है। हमने तो ली भी। इशाल आपने कहा देखनी है? इशाल अभी उठी है सोकर, पूरी नींद पूरी करके उठी है, और वो दोनों सुबह 10 बजे के उठे हुए है ना इशाल, ऐसे ही है ना, है ना। अभी तक इशाल ने कहा नहीं देखी, तो अब जो है ना यशल ने भी देखी है, वो यशल वहाँ पे नाराज होकर लेटी हुई है। ओहो हो हो ओहो, उसकी मर्जी के कार्टून नहीं लगे हुए, ये हाशिर की मर्जी के कार्टून लगे हुए हैं, है ना हाशिर, और वो वहाँ पर नाराज़ होकर बैठी। हाशिर कहो किसकी है? हाशिर का मैं काऊ को देके जा रही हूँ। हाँ जी, इसे सुबह से 2 दफ़ा शावर ले लिया और सारे कपड़े भी इतनी दफ़ा गंदे कर लिए। हाशिर मैं जा रही हूँ इशाल को काऊ दिखाने के लिए। नो दिस इज हाशिर, इशाल काओ। यस खाचेगा इशाल को? खाचेगा कौन? खाचेगा वो काऊ खाचेगा, तो फिर आप दिखा लाओ उसको इशाल को। आपको खाएगा? आपको नहीं खाएगा? क्यों आपको क्यों नहीं खाएगा? आपको क्यों नहीं खाएगा? हाँ
आपकी काऊ दे दें किसी को? दिस इज योर काऊ? ओके चलाओ ईशान, ईशान काऊ देखने चले? चलो तो वो काऊ देखने जा रहे हैं ना, काऊ देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कहीं पे काऊ। हाँ जी चलाओ चले। वो देखो टू काओ, इसे पकड़ो, वो बेबी है। वो देखो काओ, काओ किधर है आपकी? हा? आपकी काओ किधर है? वो किधर? ओए इतनी सारी काओ, इतनी सारी काओ आ गई है। ये आपकी काओ तो जी फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अल्लाह ताला जो है वो सबकी कुर्बानी को कबूल करे। और सुना सुनने में आया है कि कोई बीमारी निकली हुई है जानवरों में, क्योंकि मैंने भी उड़ती उड़ती जो है खबर सुनी। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप आयतल कुर्सी पढ़ के और अल्लाह ताला की जो भी हफाजत की सूरत पढ़ के आप अपने ऊपर भी और अपने जानवरों के ऊपर भी जो है अल्लाह ताला की हफाजत में उसको पढ़ के फूंक मार दें, तो अल्लाह ताला जो है उन्हें मूजी बीमारी और हर तकलीफ़ से जो है वो बचा के रखेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो का इंतज़ार करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।